भैया जी ध्यान किधर है, मामला इधर है। आज हम करने जा रहे हैं पीसी बिल्ड एक गेमर के लिए। गेमर भी एडिटर भी है, यूट्यूब का काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली गेम खुद भी करेगा, एडिट भी खुद करेगा। आज के गेमर हम जैसे भाई मल्टीटास्किंग होते हैं, तो इसमें सबसे यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसर राइजन 9750X टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर जो है ये। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर 16GB DDR5 मेमोरी, ठीक है। XPG की मेमोरी है ये, 5200 MHz की DDR5। उसके बाद हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं B650 क्यों यूज़ कर रहे हैं आप बोलोगे, X670 क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये था यार, गेमर्स इतना हैवी मदरबोर्ड यूज़ करने की जरूरत होती नहीं है, प्रोसेसर की वैसी निकल जाती है क्वालिटी जो है, ठीक है। मेन मामला ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं 3070 Ti RGB ग्राफिक कार्ड है। आज के टाइम में बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है, ठीक है ये। उसके बाद आप कहोगे यार शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं इनको, सब भाई शक्तियाँ दे रहा है इसको ये PK 750 Watt, ठीक है। ये है 750 Watt की पावर सप्लाई, 80+ ब्रोंज है, इनफ है, 80+ गोल्ड की जरूरत ही नहीं। उसके बाद आ जाती है जिसमें सबसे गेम, जो सारी इसकी गेम्स हैं, ठीक है। 1TB Gen 4 SSD ऑब्वियस फॉर टुडे, ठीक है। इसके बाद कूलर आ गया इसके अंदर Assassin 3 कूलर, बहुत सेक्सी एयर कूलर है। उसने बोला मेरे को ज़्यादा RGB वगैरह चाहिए नहीं, ठीक है, तो एक उसके लिए ऐसे लगा लो प्योर ब्लैक बिल्ड लगा लो, ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन है, पर RGB नहीं है। बिल्कुल सुना, इस बिल्ड के अंदर RGB नहीं है, वालों सेट कर लें, ठीक है। तो अब आ गया हमारा बिल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो जंप करते हैं इधर, आपको दिखाएंगे ये आ गया आपका B650, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली क्या निकलेगा, प्रोसेसर निकलेगा, नहीं मदरबोर्ड निकलेगा, ठीक है। इतना तुम ना एक तो ओवररेट कर चीज़ को भी, क्या निकलेगा इसके अंदर से, ठीक है। इधर हम असली मामला ये है IO बिल्ड, साटा केबल हमने लगानी नहीं, ना हमने हार्ड ड्राइव लगानी, क्योंकि हार्ड ड्राइव के रेट बढ़ चुके हैं। कटर जरूरत ही नहीं, देखा अभी ये प्रोसेसर गिर के भी बच गया। दिस इज द रियल बिल्ड क्वालिटी बेबी, ठीक है। तो अभी दिखाऊं राइजन 9, फोकस करो। अब तो कैमरामैन को भी बोल दे, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, क्योंकि कैमरामैन कुछ कर ही नहीं रहा है ऐसे। आपने बताया नहीं, बट दिस कॉस्ट ऑलमोस्ट 55,000 बीच आई ड्रॉप, और किसी ने नहीं देखा, देखा तो नहीं सही में, किसी ने रिकॉर्ड नहीं मारा, नहीं रिकॉर्ड, अगर कैमरामैन रिकॉर्ड हुआ तो ब्लूपर दिखा देना, इनको ब्लूपर देखने में मजा आता है, ठीक है। ये तो ट्रायंगल से ट्रायंगल यार मैच करना आता है, इतना तो पता ही आप सबको, ठीक है। इतने स्मार्ट हो ही गए वो, सारे पीसी बिल्ड देखने आते हैं भाई, सारे बोलते हैं भाई क्या किए गलत कर देगा। ये है जी स्किल की 16GB रैम, ठीक है। इसको अगर हम खोलें, आप बोले आप कटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन सस्ती थी, कटर था नहीं हमारे पास, सस्ता सा ब्लेड पड़ा था, तो हम सब कुछ ही पहले काट के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, वो वीडियो में दिखाना नहीं था, ठीक है, हमने बताना भी नहीं था हमारी इतनी सस्ती प्रोडक्शन है, पर इट इज व्हाट इट इज। अंदर जाना, वाओ नाउ हियर दिस क्लिक्स। ये है SK हाइनिक्स, जो इंडिया में बहुत कम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ प्रोज को ही पता है ये कितनी अच्छी SSD है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मदरबोर्ड रेडी है, तो कूलर लगा लेते हैं, ठीक है। नहीं यार देखो, ये कैमरामैन को नहीं पता है कैमरामैन है, ठीक है, पीसी बिल्ड करना आता नहीं। जब भी आप एयर कूलर लगाते हो तो पहले लगा लिया करो, ये बहुत बड़ी सजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि एयर कूलर भाई बाद में लगाना बहुत बड़ा पेन है, ठीक है। लिक्विड कूलर हाँ ठीक है, आप बाद में ही लगाते हो, पर जब भी आप एयर कूलर यूज़ कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि उसको पहले ही लगा लो, ठीक है। ये है Assassin 3, ठीक है,
ले भाई Assassin 3 कूलर, बहुत हैवी कूलर है भाई ये, बहुत ज़्यादा, मतलब दिस इज़ अ बीस्ट ऑफ द कूलर्स भाई। ये कूलर हमने पहले भी यूज़ किया था एक बार भाई, इतने शार्प है जिसने इसके इसने साली उंगल काट दी भाई। मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं कर रहा है। मिली लेजिटिमेटली काट दी, शाइन हो रहा है भाई, तो दीवार में दिख रहा है ये देखिए, ए भैंस की शाइन। इतनी सस्ती प्रोडक्शन नहीं है, एक स्क्रू ड्राइवर अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि दिस इज अ जनरल नीड ऑफ बिल्डिंग अ पीसी। यार बेबी तेरे को दी थी, मेरे को थर्मल पेस्ट कर दी, तेरे को क्या फेंका था पीछे मैंने तेरे ऊपर है? क्या जैसे बोला था कैच, कब फेंका था? सही में थर्मल पेस्ट फेंका था और मैंने तो बताया नहीं, हम पे तो आई नो सही में बड़ा 600 रुपए की थर्मल पेस्ट थी, तेरे से लूंगा मैं, लेके आऊं लेके आ ये भाई, मैं बाहर कैसे निकलूं? निकल जा भाई, निकल यहां से। एक काम कर, 2 मिनट ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हम गए थे एक टेक्निकल ब्रेक पे, हाँ तो हम लगा रहे थे कूलर, बेसिकली लगा रहा हूँ मैं स्टैंड ऑफ से क्योंकि इसके अंदर AM4 का ब्रैकेट आता है, AM5 के हिसाब से ये नहीं बना। सो आप तो भैया ऑर्डर दे जाते हो, अब बोल तो बिल्ड कर देना, अब हम बिल्ड कर रहे हैं। बैक आफ्टर अनदर टेक्निकल ब्रेक, मदरबोर्ड डन है, हुमंगस कैबिनेट आपको इंटरनल उठाई नहीं थी, ये है एंड्रॉइड एक्सटी H510। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। PK750 हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं भाई बताएगा, ठीक है? कौन सी सप्लाई है? समझ गया, 3.0 की वायर के रेंडर्ड एक्सटी में यही बात है। फ्रंट पैनल की भी एक सिंगल आती, नहीं तो क्या था, सिंगल सिंगल और डंडे लगाते हो। ये देखो जो लोग बोलते हैं ना भी जूता इतना साफ रखो कि जूते में शक्ल दिखे, भाई कूलर इतना शाइनी देखो कि शक्ल देख सको भैंस क्या उसके अंदर। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। दिख रहा है ये मैस ठीक है, मैस है, होता है, हर बंदे की जिंदगी में मैस होता है। मैं कभी कभी पीसी बिल्ड को फिलोसफिकल साइड ले जाता हूँ, बट यू हैव डील विद इट, ठीक है भैया जी। वायरिंग 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 वायरिंग, मेरे हाथ है मोटे बहुत ज्यादा। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मैं भी हूँ वैसे, मतलब ठीक है यार तू बॉडी शेम कर ले, मैं अपना भी कर रहा हूँ वैसे, आई डोंट केयर बॉडी। हमको एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे, एक वायर लगानी, सिर्फ एक वायर लगाने के लिए, इसे कहते हैं दुख दर्द पीड़ा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कभी खुशी कभी गम, द क्लिक किसी ने कुछ नहीं देखा। पावर केबल लेके आओ। यस 3 2 1 या yeah!